तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। बात करेंगे आजकल की 2898 के बारे में, क्योंकि ये वो मंजर दोबारा से दोहराने वाली है जो बाहुबली के समय हमें देखने को मिला था। एंड मेन थिंग, जो की पॉइंट है इसका, कि भाई साहब प्रभास जो बाहुबली में भी था, जो अपने करियर की वो प्रभास ने जो शाइनिंग स्टार वाली जिंदगी बाहुबली से स्टार्ट करी थी, वो कल की 2898 में भी फॉलो होते नजर आ रही है। क्योंकि भाई वो मंजर, वो दौर फिर से रिपीट होने वाला है। भाई साहब डिस्टोपियन एरा की ये पहली मूवी होने वाली है इंडियन सिनेमा की, जो कि ना सिर्फ इंडिया में चमकेगी, इंटरनेशनली भी धमाका करने वाली है। हॉलीवुड को बहुत बुरी तरीके से टक्कर देने वाले हैं ये लोग, क्योंकि जो इसके मेकर्स हैं, जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, देन उसके बाद जो नाग अश्विन इसके खुद डायरेक्टर हैं, भाई बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी इस मूवी को लेके, जिसके लिए भाई साहब प्रमोशनल स्ट्रेटजी जिस हिसाब की चल रही है भाई दमदार। भाई पहले ऐसा रुझान या मंजर देखने को नहीं मिला। जो यूज करी जा रही है कार, बुज्जी कार उस मूवी में, वो बुज्जी कार जगह जगह ले जाकर प्रमोशन में उसका इस्तेमाल करा जा रहा है। महिंद्रा के द्वारा इसको बनाया गया है और भाई कार फाइन है, दमदार है। जो ऐसे सिनेरियो सिर्फ हमें बॉलीवुड में ही देखने को मिल, सॉरी हॉलीवुड में ही देखने को मिल रहे थे। भाई कल की 2898 इससे जुड़ी अभी बहुत से रुझान आने वाले हैं, जो प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि ये मूवी जब आएगी तो धमाका तो करके जाने वाली है, बॉक्स ऑफिस फाड़ने वाली है। लाइक यूएसए में जो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, यूएसए में दमदार बुकिंग अभी से ले लिया है, हाई फाई टिकट सेल सोल्ड आउट कर दिए हैं। देन जो लिमिटेड लोकेशन पर है, जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि भाई बहुत कम समय में 320 लोकेशन के आसपास इन्होंने लगभग 500,000 यूएस डॉलर की एडवांस बुकिंग वहां से ले ली है, जहां पर इन्होंने लगभग 15,000 प्लस टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में 26 जून को मूवी रिलीज हो जाएगी, लेकिन अपने इंडिया में यहाँ 27 जून को मूवी रिलीज होने वाली है। इससे भी बड़ी अपडेट ये है कि भाई कल की 2898 का ट्रेलर आ जाएगा, जो खुल के बताने वाला है कि भाई साहब अभी तक जिस चीज़ के लिए आप बैठे थे कि भाई क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, उसका आइडिया, उसका हिंट आपको कल मिल जाएगा, यानी 10 जून को। पर इसकी टाइमिंग अभी नहीं आई है कि ट्रेलर कब आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए बड़ी बड़ी मूवीज के जो अभी तक ट्रेलर आए हैं, लाइक जवान की बात कर लो और भी पहले की मूवीज, तो भाई इनके ट्रेलर 10 बजे के बाद कभी भी रिलीज कर देते हैं, और मोस्टली जो पसंदीदा टाइम होता है इनका 11 बजे के आसपास। तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं कल सुबह 11 बजे तक हमें इसका ट्रेलर देखने को मिल जाए, लेकिन भाई कल डेफिनेटली ट्रेलर मिल जाएगा देखने को। इसी के साथ भाई यूके में भी बिगिनिंग हो जाएगी खाई की एडवांस बुकिंग की कल मंडे से। देन उसके बाद भाई हिस्ट्री क्रिएट की ही बात चल रही है, तो जो मलेशिया में 1 मिलियन यूएस डॉलर प्लस की इनकम कर रखी है, ग्रॉसर कर रखी है इंडियन सिनेमा की वो मूवी, यानी मतलब नॉर्थ टॉलीवुड की वो मूवी बैक टू बैक प्रभास की, तो क्या 5th नंबर पर हमारी ये कल की 2898 हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कल के ट्रेलर के लिए वेट है, और बहुत ज़्यादा वेट है भाई कि आखिर मिलने क्या वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हम पहले ही देख कर आ चुके हैं। अश्वत्थामा का ग्लिम्स देख कर आ चुके हैं, बुज्जी और भैरवा यानी अपने प्रभास और बुज्जी कार का जो केमिस्ट्री है वो भी देख कर आ चुके हैं। इससे रिलेटेड अभी प्रील्यूड निकल कर आ चुका था कि ये जो स्टोरी है, वो जो दोस्ती है कहाँ से कैसे फॉर्म हुई है, वो सब चीज़ आप प्रीलियड एनिमेशन टीजर में देख ही लेना जो अमेजोन प्राइम पर आपको मिल जाएगी। बाकी भाई ये मूवी कितनी कमाई करने वाली है इंडियन सिनेमा की, ये मूवी भाई सिर्फ इंडिया में नाम नहीं करने वाली है, इंटरनेशनली भी इंडियन सिनेमा का धमाका होने वाला है, जो अभी तक बॉलीवुड तो फिलहाल नहीं करते नजर आया है। क्योंकि भाई डिस्टोपियन एरा की मूवी हम पहले ही देख कर आ चुके हैं, ड्यून हो गई, देन उसके बाद और भी रेडिक हो गई, और भी मूवीज हो गई, तो वो सब चीज़ें मैच करना भाई वो पोटेंशियल सिर्फ कल की 2898 में देखने को मिला। फिलहाल देखते हैं ट्रेलर में क्या आता है, क्या नज़र नहीं आता है, कल के लिए वेट करते हैं, ट्रेलर आएगा उसके बाद और बातें करेंगे कि भाई ये किस लेवल तक की मूवी होने वाली है, क्योंकि हॉलीवुड की ऐसी बहुत सी हमने मूवी देखी है। देन उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कि भाई ये उस मूवी को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, वगैरह वगैरह, और क्या क्या रिकॉर्ड सेट करने वाली है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे, जय हिंद।